हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आपके फोन में डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन क्यों होता है, आप इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। यहां आपको सबसे पहले देखिए अपनी नोटिफिकेशन बार को सिर्फ नीचे करना है और यहाँ पर एक साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन। बेसिकली हो सकता है ये इस तरीके से ऑफ हो, तो इसे क्लिक करके आपको इसे कर लेना है ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको इस पर लॉन्ग टैप करना है देर तक, तो ये आपको इसकी सेटिंग्स के मेन्यू पर ले जाएगा। Experience breakthrough audio for media playback that flows above and around you। तो ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है, मूवी का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक वॉइस, इन सभी का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। अगर आप ऑटो पर रखते हैं तो आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, चाहे कॉल आ रहा हो, चाहे म्यूजिक आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर सामने वाले को जाएगी। और अगर आप ईयरफोन में सुनते हैं कोई भी चीज़ तो आपको वॉइस बिल्कुल क्लियरिटी में आएगी। अगर आप हेडफोन लगा के सुनते हैं, बेसिकली आपको इसे यूज़ करने के लिए आपको हेडफोन लगाना ज़रूरी है, ईयरफोन पिन कनेक्ट करना ज़रूरी है, तो ही ये डॉल्बी एटमॉस इसमें कनेक्ट होगा, वरना आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसका चेक खुद कर सकते हैं, एक बार डॉल्बी एटमॉस को ऑन करके म्यूजिक सुनिए अपने ईयरफोन्स में, और एक बार इसे ऑन करके या ऑफ करके सुन के देख लीजिए, आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये, तो आप कमेंट में बताइए या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।